इस देश में सबसे महंगी चीज है न्याय, जिसको पाने के लिए कभी कभी जान की कीमत भी कम पड़ जाती है भैया। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं गणतंत्र। उन्नाव में रेप पीड़िता के साथ जो हो रहा है उसको देखकर यही कहना पड़ेगा कि क्या हम गणतंत्र में जी रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आप सबने सुन लिया होगा, गूगल में कुलदीप टाइप करो आजकल सबसे पहले इन्हीं का नाम दिखाता है, लेकिन ये वही है जिनको अभी तक पार्टी ने निकाला नहीं है। शायद सरकार बनाने और गिराने के खेल में भाजपा ही भूल गए होंगे कि उनके यहाँ कुलदीप सिंह सेंगर भी हैं। ये वही विधायक साहब हैं जिन पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की का जैसे ही एक्सीडेंट होता है पूरा देश समझ जाता है कि बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, लेकिन इन्हीं के यानी सेंगर के समर्थकों का कहना है कि महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है। कमाल है आप लोग, इस दुनिया में अगर इत्तेफाक सच में है तो क्या वो सबसे ज्यादा कुलदीप सिंह सेंगर के साथ ही हो रहा है? इत्तेफाक से लड़की के रेप का आरोप उन पर लगा दिया जाता है, इत्तेफाक से उस लड़की के पिता को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया जाता है, इत्तेफाक से जेल में उनकी मौत भी हो जाती है, इत्तेफाक से अचानक यूपी पुलिस उसके चाचा के ऊपर भी 5-5 केसेस ठोकर उन्हें जेल में डाल देती है, इत्तेफाक से लड़की के घर वालों को धमकियां मिलने लगती है, इत्तेफाक से ही कुछ दिन बाद उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, वो भी इत्तेफाकन रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक से, इत्तेफाक से उस ट्रक के नंबर प्लेट पर कालिक भी पुती होती है, और इत्तेफाक देखिए कि इसमें उनकी मौसी और चाची की मौत हो जाती है जिसमें चाची गवाह भी थी, इत्तेफाक से, और इत्तेफाक से पुलिस इसको हादसा बताने लग जाती है। ये तो इत्तेफाक नहीं, कायदे से ये इत्तेफाक है। मुझे लगता है कि इस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के साथ साथ एक योजना ये भी आनी चाहिए कि बेटी को इत्तेफाक से बचाओ, लेकिन इतने सारे इत्तेफाक कुछ सवाल भी छोड़कर जाते हैं। पहला, धमकी मिलने के बाद भी लड़की का केस किसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं दिया गया? दूसरा, उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म कर देने का संकल्प लेने वाले मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे सब कैसे हो रहा है? अगला सवाल यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर अभी भी भाजपा में क्यों बने हुए हैं? और आखिरी सवाल, क्या सिर्फ सरकार बनाने और गिराने के लिए हम लोग वोट देते हैं या टैक्स वैक्स भी भरते हैं? हम लोग भरते क्या? वेरी गुड। लड़की को सरकारी सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन हादसे के टाइम उसके 3 बॉडीगार्ड उसके साथ नहीं थे, यानी कहानी यह भी बनकर आ रही है कि कार में जगह कम होने की वजह से लड़की और उसके परिवार वालों ने खुद सुरक्षा कर्मियों को आने से मना कर दिया। और वाह, सुरक्षा कर्मी कितने आज्ञाकारी निकले, ले 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 ले। वो ये भूल गए कि उनकी नौकरी लड़की को बचाने की थी, न कि उसको अकेले छोड़ने की। एक इत्तेफाक ये भी देखिए कि एक नेता के काफिले में गाड़ियां भर भर के गनर देने वाली सरकार के सुरक्षा कर्मी सिर्फ एक बार मना कर देने पर यह भूल गए कि उनका काम उनको बचाना था। कुछ कड़वे सवालों का जवाब सरकार को भी देना चाहिए। पहला, क्या कारण है कि बुलंदशहर में सरकार की नींद तब खुली जब वो कांड हो चुका था? दूसरा, उन्नाव में आखिर क्यों गवाहों और सबूतों पर इतनी ढिलाई बरती गई? तीसरा, सिस्टम में वो कौन लोग हैं जो जेल में बंद अपने मालिक की जी हुजूरी अब भी कर रहे हैं? और अगला और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अब की बार 300 पार कहने वाले लोग, क्या अब उनके मुंह से अब की बार बलात्कारियों पर प्रहार नहीं निकल रहा है? क्यों नहीं निकल रहा? सोचना तो भैया उनको भी पड़ेगा जो चुनाव के टाइम जेल में कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने जाते हैं और बाहर निकलकर जनता को ही श्राप देने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि 5 साल में जनता को एक ही बार आशीर्वाद और श्राप देने का मौका मिलता है। अगर जनता का श्राप लगा तो आप पर बहुत भारी पड़ेगा। इस देश में लड़कियों की इज्जत कोई सरकार नहीं है जिसको गिराकर आप अपनी ही पीठ थपथपा लेंगे। और एक बात मैं उन फॉलोअर से भी पूछना चाहूंगा जो अपने पार्टी और नेता के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते भाई? इस देश का अस्तित्व तब भी था जब आपके नेता नहीं थे, जब आपकी पार्टी नहीं थी, जब किसी की सरकार इस देश में नहीं थी, तब भी इस देश में नारी तू नारायणी बोला जाता था। कम से कम उस नारी की इज्जत करना सीख लो भाई, आप ही से कह रहा हूँ। और मोदी जी और योगी जी, कितना अच्छा होता कि अगर आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बजाय इस देश को अपराध मुक्त बनाने की बात करे होते, क्योंकि इस देश में निर्भया भी हुई, आसिफा भी हुई, और इस देश में ट्विंकल भी हुई। नाम बदलते रहे, शहर बदलते रहे, बच्चियां बदलती रहीं, लेकिन उन सब का नतीजा एक ही हुआ, और इन सब का कारण है हमारा सन्नाटा। उम्मीद है सन्नाटा हमारी कमजोरी और आदत नहीं बनेगा, इसलिए इस सन्नाटे को तोड़े, सवाल पूछना शुरू करें उनसे भी जिनको आज तक आप सवालों के घेरे से बाहर समझते आए। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जल्दी मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।